मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाए, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाए ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू और डेमो दोनों भी करने जा रही हूँ एक हेयर स्ट्रेटनर का, जो कि आप थंबनेल से जान ही चुके हो कि वो प्रोडक्ट क्या है। अगर आपको एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको आइडिया मिले कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि मैं आज इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको जानकारी देने वाली हूँ और प्लस आपको मेरे बालों पर डेमो भी करके दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है। तो चलिए, तो देखते हैं। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस फिलिप्स की स्ट्रेटनर का, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आलिया भट्ट का, आपको आलिया भट्ट का फोटो नजर आएगा जो कि इस प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये है फिलिप्स का कैराशाइन एडवांस कैराटिन सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनर, शाइनी स्मूथ हेयर विथ कैराशाइन प्रोटेक्टर। तो दोस्तों, ये वाला प्रोडक्ट जो हेयर स्ट्रेटनर है वो आता है, वो दिखने में ऐसा दिखता है, जो कि पर्पल कलर का है। आप देख सकते हो ये पर्पल कलर का है, उस पर कुछ फ्लावर की एक प्यारी सी डिज़ाइन है और यहाँ पे जो प्लेट्स है वो गोल्डन कलर की है, जो कि है कैराटिन सिरामिक। क्योंकि हमको पता है हमारे बालों में, हमारे बालों के हेल्थ के लिए कैराटिन कितना ज़रूरी है। अगर हमारे बालों से कैराटिन कम हो जाए तो हमारे बाल फ्रिजी और डल दिखने लगते हैं। और स्ट्रेटनर का काम क्या होता है, हमारे बालों को स्ट्रेट करना। पर बहुत सारे स्ट्रेटनर क्या होते हैं, बस हमारे बाल को स्ट्रेट करते हैं पर वो फ्रिजीनेस नहीं हटाते, बाल सिल्के नहीं बनाते। पर ये वाला हेयर स्ट्रेटनर है वो दावा करता है कि ये आपके बालों को फ्रिजीनेस कम करेगा और आपके बालों को सिल्की और स्मूथ करेगा, क्योंकि जो इसकी जो प्लेट्स दिए हुए वो है कैराटिन सिरामिक से बनी हुई है, इसलिए ये आपके बालों को फ्रीजी नहीं करता और ये आपके बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने में बहुत ही यूजफुल होता है। तो मैं इसे ही एक स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना चाहती थी जो कि अच्छे से काम करे। मैंने बहुत सारे इसके बारे में रिव्यूज़ पढ़े यूट्यूब पर, और मैंने जब ऑनलाइन बाय किया अमेजॉन पर, वहाँ भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े और इसके बारे में बहुत कुछ जानने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये हेयर स्ट्रेटनर पे इन्वेस्ट करूँगी। तो दोस्तों, ये हेयर स्ट्रेट आप जानना चाहोगे कि ये कितने का है, तो ये लगभग 2200 रुपये का है, पर आपको अमेजोन पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ज़्यादा तो डिस्काउंट नहीं है, पर मुझे ये शायद 2000 के करीब मिला था, क्योंकि मैं एक अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो उसके हिसाब से ये ठीक है मुझे ऐसे लगता है। तो ये और दावा करता है कि जैसे यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर पूरी जानकारी मिलेगी, और यहाँ पर दिया है कैराटिन इन्फ्यूज, जो कि इसकी प्लेट है वो कैराटिन इन्फ्यूज्ड है, और आयोनिक केयर, ये आपके बालों का आयोनिक केयर भी करता है, और टेम्परेचर सेटिंग, और इसमें टेम्परेचर सेटिंग भी दिया है। इस पे टू टाइप ऑफ टेम्परेचर सेटिंग है, वन है 190 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 210 डिग्री सेल्सियस। तो आप अपने बालों के हिसाब से आप अपनी टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर दो टेम्परेचर सेटिंग दिए हुए हैं, यहाँ पर एक बटन दिए है और इसे आप ऊपर करोगे तो हो जाएगा 210 और नीचे करोगे हो जाए 190 और इससे नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसे टेम्परेचर सेटिंग दिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने हिसाब से इसकी टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं, तो मुझे इसकी भी ये बात अच्छी लगी। तो मैं आज आपको इसका डेमो भी करके दिखाऊंगी कि एक्चुअल में कैसा वर्क करता है, क्योंकि मैंने आज इसका पूरी तरह से डेमो नहीं लिया है, तो मैं आज आपके सामने ही इसका डेमो दूंगी ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि ये स्ट्रेटनर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इसका डेमो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपने बालों को अच्छी तरह से धो लिया है और मेरे बाल लगभग सूख भी गए हैं, तो मैं मेरे बालों
कोई भी आप हीट प्रोडक्ट यूज करते हो उसके पहले बालों को एक हीट प्रोटेक्शन हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी ये एलोवेरा जेल और ये वाला है स्टिक्स का हेयर सीरम। तो मैं दोनों को मिक्स करके अपने बालों को एज अ हीट प्रोटेक्टर लगाऊंगी ताकि आपके बालों का कुछ भी हीट के वजह से डैमेज ना हो। तो ये जरूरी है, कोई भी कितना भी महंगा हेयर स्ट्रेटनर रहे या फिर हीट टूल रहे तो पहले श्योर कीजिए कि आप अपने बालों पर अच्छी तरह से कोई भी हीट प्रोटेक्टर लगा ले। मैंने अपने आधे बालों को ऊपर बांध दिया है क्योंकि मुझे लगता है वही इजी तरीका होगा बालों को स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा। तो मैंने अपनी हाफ बांध बन में बंद कर लिया है अपने हाफ बालों का और मैं अब मैं नीचे से पूरे बाल को स्ट्रेट करूंगी इस तरह से। तो मैंने अपने बालों का हाफ सेक्शन बन में बांध लिया है और हाफ सेक्शन खुला छोड़ा है और मैं अब अपने बालों को नीचे से अपने बालों को स्ट्रेट करती जाऊंगी। तो इसके लिए आप छोटे छोटे सेक्शन लीजिए, मैंने थोड़ा बड़े लिए हैं, बट हम जितने छोटे छोटे सेशन में हम उसको स्ट्रेट करेंगे उतने बाल अच्छे से स्ट्रेट होंगे। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, ये हेयर स्ट्रेटनर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजीली ये स्लाइड होता है बालों में, आपके बालों को ये स्ट्रेट करने में बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, ये बिल्कुल इजीली ग्लाइड होता है और एक ही स्वाइप में आपके बाल स्ट्रेट करता है। पर कहीं थोड़े बाल छूट जाए ना, इसलिए आप एक या दो बार और ऊपर से इसको स्ट्रेट कीजिए तो ये अच्छे से आपके बाल स्ट्रेट कर देगा। तो इस तरह आपको छोटे छोटे सेक्शन देकर आपको पूरे बालों को स्ट्रेटन करना है। और दोस्तों जैसे कि इसमें है कैरेटिन इन्फ्यूज्ड, तो ये कैरेटिन इन्फ्यूज होने के वजह से ये आपके बालों का जो कैरेटिन लेवल है वो बहुत ही मेंटेन रखता है और ये आपके बालों को फ्रीजी और ड्राई नहीं होने देता और ये बहुत ही अच्छे तरह से आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बना देता है। और इसी तरह मैंने दूसरी साइड से भी अपने बालों को थोड़े छोटे छोटे सेशन लेकर स्ट्रेट कर रही हूँ। आपको छोटे छोटे सेशन लेकर आपके बालों को स्ट्रेट करना है और पहले आपके बालों को डिटेंगल करना है। और याद रखिए आप बाल स्ट्रेट करने से पहले कोई भी हीट प्रोटेक्टर यूज कीजिए या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया एलोवेरा जेल या कोई हेयर सीरम, उसको एक साथ मिक्स कीजिए और अपने पूरे बालों पर लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके अपने बालों को एक प्रोटेक्शन लेयर मिलेगी और आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। वैसे तो ये हेयर स्ट्रेटनर आपके बालों को डैमेज नहीं करता क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कैराटिन इन्फ्यूज्ड है, फिर भी आप इतना तो हमको केयर करना ही पड़ेगा। तो ये मुझे मैंने आज तक जितने भी हेयर स्ट्रेटनर यूज़ किए उसमें से मुझे ये बेस्ट लगा। ये बहुत ही इजी तरीके से ग्लाइड होता है और बहुत ही इजी तरीके से आपके बालों को स्ट्रेट करता है और इसकी स्ट्रेटिंग भी 2 से 3 दिन जब तक आप बाल नहीं धोते तब तक अच्छी तरह से रहती है। तो मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी। तो इसी प्रकार मैंने अभी पीछे का सेक्शन करा, अब ऊपर के जो बाल है बन में वो मैंने उसका भी सेक्शन लेकर उसके छोटे छोटे सेक्शन लेकर मैं उसको भी स्ट्रेट कर लूंगी इस तरह से। आप देख सकते हो कि कितनी इजीली ग्लाइड हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना पड़ रहा है अपने बालों पर से ये स्ट्रेटनर ग्लाइड करने में, ये बिल्कुल इजीली हो रहा है। तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटनर है, बालों को स्ट्रेट करने के साथ साथ ये आपके बालों को स्मूथ और सिल्की भी बनाता है और एक शाइन भी आपके बालों पर आ जाती है। कितने स्ट्रेट हो गए देखा दोस्तों, मैंने इस ये स्ट्रेटनर अमेज़न से मंगाया है और मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।
अगर आप चाहे तो वहां जाकर चेक कर सकती हो, और सॉफ्ट भी लग रहे हैं। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको नहीं देखना आता तो आप मेरा जो टाइटल है स्नेहा लाइफस्टाइल, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो आप उसके ऊपर जो हेडिंग मैंने दी है तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप स्नेहा लाइफस्टाइल पर आप क्लिक करोगे तो मेरे पूरा चैनल, मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किया आपको पूरा मेरा चैनल दिख जाएगा। तो प्लीज आप वो भी चेकआउट कीजिए। आप देख सकते हो कि मेरे बाल स्ट्रेटनर पर इन्वेस्ट करे तो मैं चाहती थी तो एक अच्छे से स्ट्रेटनर पे इन्वेस्ट करूँ, और आई रियली लाइक इट। और ये सच में बहुत अच्छे से स्ट्रेट करता है और बालों को इससे जलाने की फीलिंग भी नहीं होती, क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रेटनर तो कचकच से आवाज आता है, ये बिल्कुल आवाज नहीं करता, बिल्कुल इससे स्मूथली ग्लाइड होता है। और बहुत अच्छे से इसने मेरे बालों को ज्यादा एफर्ट न लगाते हुए स्ट्रेट कर दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्ट्रेटनर का इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप इफेक्ट देख ही रहे हो कि कितने अच्छे से ये बालों पर इफेक्ट करता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।